जानवरों के मरने के बाद उनकी खाल से चमड़ा तैयार करा जाता है, ये तो हर किसी को पता है, मगर क्या आपको पता है उसके बड़े बड़े सींगों का क्या होता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के भी शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं उन सींगों से बर्तन कैसे तैयार करे जाते हैं जिनकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में करोड़ों में होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। तो जानवरों के सींग से फैंसी बर्तन बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सींगों को इकट्ठा करा जाता है। तो भारत देश के मरे हुए जानवरों के साथ साथ अफ्रीका अमेरिका के भी जितने जानवरों के सींग होते हैं वो भी यहाँ पे इंपोर्ट करे जाते हैं। तो जो सींग होते हैं ना उनकी भी छटाई करी जाती है। जो सबसे बढ़िया क्वालिटी के सींग होते हैं उनसे सबसे महंगे होम डेकोर के पीसेस तैयार करे जाते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा माल होता है उनसे बनते हैं बर्तन, जिनकी खपत सबसे ज्यादा सऊदी के देशों में है। तो सींगों को बांटने के बाद अब एक एक सींग को लिया जाएगा, उसकी कटाई शुरू करी जाएगी बर्तन बनाने के लिए। तो यहाँ पे वो कब तैयार करे जा रहे, तो उसके लिए सबसे पहले गोलाई में काटा जाता है और उसके बाद नाप के उसमें आकार दिया जाता है। हर एक सींग को बराबर तो काटा नहीं जा सकता, मगर उसमें आकार जो है वो सेम दिया जा सकता है, ताकि कोई भी डेकोरेशन पीस अगर कोई दो तीन लेता है तो उसका सेट जो है वो पूरा हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे सींगों को इसी प्रकार काटा जाएगा। पहले नीचे से गोल काटा जाता है, उसके बाद उन्हें नापा जाता है, और नापने के बाद उसका जो हैंडल होता है ना वो भी एक ही सींग में से निकाल लिया जाता है। अब जो सींग का बाकी का हिस्सा बचा ना ये वेस्ट नहीं होगा, इससे बनते हैं तरह तरह के ब्रेसलेट। तो यहाँ पे जो सींग होते हैं कुछ कुछ सींग में हड्डी रह जाती है, कुछ में तो ऐसे ही निकल जाते हैं, जिनमें रह जाते उन्हें भी अलग कर लिया जाता है। अब ये जो आप बड़ी सी मशीन देख रहे हैं ना इसी का सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि इसी मशीन से सींग का जो है बिल्कुल ही रंग रूप सब बदल दिया जाता है। ये मशीन होती है रबिंग की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये कटे हुए सींग आए थे उनकी रबिंग शुरू करी जाएगी, उन्हें एक आकार दिया जाएगा कि वो देखने में जो है ना सुंदर लगे। बिना सुंदर के तो आजकल कोई चीज खरीदता ही नहीं है, तो इसको सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे रबिंग का इस्तेमाल करा जाता है। तो बहुत ही मेहनत के साथ तीन भैया ये लगे हुए, हर एक भैया के पास एक एक सींग का जो ढांचा है ना कम से कम 15 मिनट तक रहेगा, फिर वो आगे और भेजते रहेंगे ताकि तीनों ही हर एक सींग को रब कर करके उसमें चमक पैदा कर सके और वो देखने में इतना सुंदर लगे कि जिसकी निगाह इस पे पड़े ना वो कह ही ना सके कि ये सींग से बना, उसे एकदम खरीद ले। तो उसका रंग रूप बदलने के बाद बारी आती है उसके हैंडल को अटैच करने की। तो यहाँ पे जिसके लिए गैस सिलेंडर के ऊपर एक लोहे का टुकड़ा रख लिया गया है, इसे गर्म करा जाएगा और उसके बाद ये जो सींग आप देख रहे ना इसको भी इसी के ऊपर पकाया जाता है, क्योंकि हमें इसका हैंडल मोड़ना होता है और मोड़ने के लिए इसे पकाना बहुत जरूरी है। हर एक सींग में कम से कम 30 मिनट लग जाता है उसका हैंडल मोड़ने में। तो आप सोच सकते हैं एक सींग में कितनी ज्यादा ताकत होती होगी, तभी तो वो हर जानवर की ढाल बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से इसे गर्म कर लिया गया, अब इसे बड़ी आसानी से एक पेचकस की मदद से मोड़ लिया जाएगा और मोड़ने के बाद यहाँ पे इसे बिल्कुल ही मग का आकार दे दिया जाएगा। आकार देने के बाद इसी आकार को बनाने के लिए इसे ऐसे ही बांध के रस्सी से रख दिया जाता है कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि जो इसकी गर्माई है वो भी निकल सके। उसके बाद इसे पानी में डुबोया जाता है ताकि इसमें जो कालस आई है ना गर्म करने से वो भी निकल सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कालस भी इसी तरह पानी में निकाल ली गई है, और कालस निकालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे दोबारा से रबिंग वाले भैया को दिया जाता है, जो इसमें सुंदर सुंदर आकार डालते हैं, इसकी दोबारा से रबिंग करते हैं ताकि इसमें दोबारा से चमक आ सके और ये इतना सुंदर लगे देखने में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब इसकी सुंदरता तो हो गई, बट नीचे बेस तो है ही नहीं, तो बेस अटैच करने के लिए यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जाता है जिसके ऊपर लगाई जाती है ग्लू, और ग्लू लगाने के बाद इस पे रख दिया जाता है ये सींगों का ढांचा, जो देखने में कोई कह ही नहीं सकता कि सींग से बना है। तो आज के बाद अगर कोई भी आप ऐसा बर्तन देख रहे हैं जिसमें अलग से नीचे लकड़ी लगाई गई है तो समझ जाइएगा कि वो जानवरों के सींग से बनी है। तो यहाँ पे इस लकड़ी के टुकड़े को भी अच्छे से चिपकाया जाएगा ग्लू की मदद से, और जैसे ही बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपक जाएगा इसे अच्छे से घुमा घुमा के जांचा जाएगा कि अच्छे से चिपका है या नहीं, और जैसे ही चिपक जाता है इसे दोबारा से भेजा जाएगा रबिंग वाले भैया के पास, क्योंकि रबिंग वाले भैया देंगे इसे फाइनल टच और इसे बना देंगे इतना सुंदर कि जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाए हर एक करोड़पति इसे देखते ही खरीद ले। तो यहाँ पे जो है हमारे जानवरों के सींग से बना मग जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे या नहीं ये मेरे को जरूर बताएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें।